हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने से बच्चा ख़राब हो सकता है, यानी कि मिसकैरेज हो सकता है। और दोस्तों, क्या ये नॉर्मल ब्लीडिंग है और या फिर अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं, साथ ही दोस्तों इसका क्या इलाज होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। अब दोस्तों, ब्लीडिंग चाहे ब्राउन कलर की हो, चाहे डार्क पिंक हो, चाहे ब्लीडिंग नॉर्मल हो या पीरियड जैसी ब्लीडिंग हो, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, बहुत सी महिलाओं में ये होता है कि उन्हें अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो जाती है। अब दोस्तों, आप बहुत बार तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट ला के टेस्ट कर लेती हैं। कई बार क्या होता है, आपकी जैसे ही साइकिल शुरू होती है पीरियड्स की, यानी कि आपको एक महीना होता है, वैसे ही आपको हल्की सी स्पॉटिंग भी दिखती है, लेकिन ढंग से आपके पीरियड्स भी नहीं आते हैं। उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट ला के बहुत बार टेस्ट भी कर लेते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव भी आता है, लेकिन दोस्तों साथ में आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी होती है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ एक हल्की सी ब्लीडिंग के बारे में, जो ब्राउन कलर की भी हो सकती है, लाइट पिंक भी हो सकती है, वो 48 आवर्स के ही होती है। थोड़ा बहुत आपको ड्रॉप्स आती हैं, उसके बाद वो बंद हो जाती है। ये होती है दोस्तों आपके जैसे ही पीरियड मिस होते हैं उसके कुछ दिन बाद या उससे कुछ दिन पहले। ये दोस्तों इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जिसमें जब आपका एग आपके यूट्रस में जाके चिपकता है तो उस टाइम हो जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल होती है, इसमें आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होती है, ये अपने आप बंद हो जाती है और उसके बाद ये ब्लीडिंग नहीं होती है। एक दूसरी ब्लीडिंग होती है दोस्तों, उसमें होता है कि आपको जो डिस्चार्ज होता है, यानी कि जो ब्लीडिंग होती है, वो थोड़े थोड़े गैप में होती है। कई महिलाओं को हर दिन एक ड्रॉप देखने को दिखती है और वो कंटिन्यू चलती जाती है। कई महिलाओं को क्या होता है कि उन्हें प्रेगनेंसी में इस तरह की ब्लीडिंग होती है, बंद हो जाती है, फिर 15 दिन बाद शुरू हो जाती है, फिर एक महीने बाद शुरू हो जाती है। और कई महिलाओं को तो दोस्तों उसको पीरियड समझ के महिलाएँ प्रेगनेंसी टेस्ट तक नहीं करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह का कोई नॉर्मल आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं और आपको नौशिया हो रहा है, उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आपको एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना चाहिए, अगर आपने प्रोटेक्शन के साथ अगर इंटरकोर्स नहीं किया है तो। तो दोस्तों, अगर अब हम बात करते हैं एक ऐसी ब्लीडिंग टाइप के बारे में जिसमें आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती रहती है और आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर आपको आयरन कैल्शियम भी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो क्या दोस्तों ऐसे में आपका बच्चा ख़राब हो सकता है या फिर आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है। तो दोस्तों, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो ऐसे में डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं और आपको घर भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत ज़्यादा अर्ली प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आता है, तो इसकी वजह से डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके भी नहीं डिफाइन कर पाते हैं कि आखिर ये प्रेगनेंसी का कारण क्या होता है, प्रेगनेंसी में सॉरी इस तरह की ब्लीडिंग का कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी डॉक्टर आपको शुरुआत में ऐसा कर रही है, अल्ट्रासाउंड नहीं कर रही है, तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी इतनी जल्दी नहीं पता कर सकते कि आखिर में ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है। बहुत सी महिलाओं में बिल्कुल नॉर्मल होती है, अपने आप ही ब्लीडिंग रुक जाती है। कई बार डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, कुछ एक हार्मोन्स की आपको डॉक्टर जाएंगे जब टैबलेट्स देते हैं, उनसे आपको ब्लीडिंग रुक जाती है। कई महिलाओं के अपने आप भी रुक जाती है, लेकिन दोस्तों उन्हें बहुत प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है और उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी हेल्दी रह जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में हम नहीं कह सकते इतनी जल्दी में कि आपका परिणाम क्या होगा। बहुत बार दोस्तों प्रेगनेंसी में कई महीनों तक ब्लीडिंग होती है, उसके बाद भी एकदम हेल्दी बेबी डिलीवर होता है। तो कुछ प्रेगनेंसी दोस्तों ऐसी होती हैं कि जिनमें इस तरह की ब्लीडिंग होती है और उसके बाद बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है, डॉक्टर एक दो बार आपको चेकअप पे बुलाते हैं 7-7 दिन के गैप में और फिर भी हार्ट बीट नहीं आती है, तो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर को आपका DNC करना होता है। कई बार तो दोस्तों घर पर ही ज़्यादा ब्लीडिंग होके कुछ महीने हल्की ब्लीडिंग होती है, उसके बाद ज़्यादा ब्लीडिंग होके आपका जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो बच्चा होता है जो पूरी तरह से बना नहीं होता है, वो अपने आप भी निकल जाता है। तो दोस्तों, इसको लेके आप कन्फ्यूजन में ना
खा रहे हैं, इसका कोई होम रेमेडी नहीं होता, इसको आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना होता है, उसके बाद जैसे आपके डॉक्टर कहे उस तरह से आपको फॉलो करना होता है और आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि शुरुआत में डॉक्टर के हाथ में भी बहुत कुछ नहीं होता है। तो आपको पेशेंस रखना है और ईश्वर से दुआ करनी है कि आपका बच्चा हेल्दी डिलीवर हो, आपके बच्चे को हार्ट बीट आ जाए, और अगर आपके बच्चे को हार्ट बीट आ गई है उसके बाद ब्लीडिंग है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह की ब्लीडिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे कारण अपनी वीडियोस में बताए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह के एक और प्रेगनेंसी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।